टेक्निकल गुरुजी, इंडिया का नंबर वन टेक यूट्यूबर जिसके अराउंड 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसके व्यूज में वो मजा नहीं रहा है क्योंकि अभी उसके जो व्यूज आ रहे हैं वो 17 के, 50 के या ज्यादा से ज्यादा 100 के। लेकिन उसके सब्सक्राइबर को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये व्यूज किसी काम के नहीं। दोस्तों, वो डेली तो वीडियोस अपलोड करता है क्योंकि आप लोगों को शायद पता हो कि हर यूट्यूबर यही कहता है कि डेली की वीडियोस अगर आप अपलोड करो तो आपकी व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे या आपका जो चैनल है वो ग्रोथ करने लग जाएगा। लेकिन टेक्निकल गुरुजी एक माने जाने वाला टेक यूट्यूबर है, उसके व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे? तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से उसके व्यूज बिल्कुल नीचे चले गए, मतलब समझो उसके सब्सक्राइबर के हिसाब से उसके व्यूज जीरो हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको एक अलर्ट भी करता चलूंगा, आपको एक वार्निंग भी देता चाहूंगा कि आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत सारे रिसर्च के बाद मुझे ये चीजें पता चली कि टेक्निकल गुरुजी ने ऐसी क्या गलती की जो उसकी वजह से उसके व्यूज बिल्कुल नीचे चले गए हैं। उसके मिलियन में व्यूज आने चाहिए लेकिन उसके के में व्यूज आ रहे हैं जो अराउंड किसी 1 या 2 लाख सब्सक्राइबर वाले के आने चाहिए। तो मेरा नाम है जीशान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल जी। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता चलूँ कि मेरे 3 चैनल हैं, एक चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं टेक्निकल जी, और दूसरा चैनल जी ब्लॉग्स, तीसरा चैनल जी की वाइंस हैं। तो मेरे तीनों ही चैनल, लेकिन मैं ब्लॉग्स और वाइंस को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि वो मेरा काम किसी अलग मतलब कि किसी और सिस्टम में, मतलब वो मेरा काम, वो मेरे शौक में जाता है, लेकिन इस चैनल को मैं अपनी ज़रूरत समझता हूँ। उन दोनों से ज़्यादा इस चैनल की मेरे पास वैल्यू है। अब ये मैंने जब चैनल स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरा चैनल यही था, अराउंड आज से कोई 2 से 3 साल पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। कभी कभी मेहनत करना मैं छोड़ देता था, कभी कभी हफ्तों भर मेरी वीडियोस आती थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था वो टेक्निकल गुरुजी से इंस्पायर होकर चैनल अपना स्टार्ट किया था। तब उनके कोई कुछ लाख उनके सब्सक्राइबर थे, जब से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। उनसे इंस्पायर होने के बाद मैंने सोचा यार मुझे भी चैनल बना देना चाहिए। मैंने चैनल बनाया, उसके बाद 1-2 वीडियोस डाल के मैंने कई हफ्तों छोड़ दिए। उसने 2-3 वीडियोस अपलोड की मोटिवेशन वाली, जिसके बाद मैंने दोबारा मेहनत करना स्टार्ट कर दी। लेकिन अचानक से टेक्निकल गुरुजी को क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसकी वीडियोस पे व्यूज आना बिल्कुल खत्म ही हो गए? क्या वो अपने चैनल पर टाइम कम दे रहे हैं? ऐसा कहना भी गलत रहेगा क्योंकि वो दिन की 2 से 3 वीडियोस अपलोड करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो उसकी जो टेक न्यूज़ है वो तो लाजमी से अपलोड करता है, चाहे रात के 10 बज जाएं या सुबह के 10, वो और लाजमी से अपलोड करता है। मैंने टेक्निकल गुरुजी से 2 बातें सीखी, एक हार्डवर्क करना और दूसरा टाइमली हर चीज़ को मतलब टाइम देना। ये 2 चीज़ें, अगर किसी चीज़ को बंदा टाइम दे दे तो वो उसमें ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद वो दिन की 2 से 3 वीडियोस अपलोड करता है, इन चीज़ों के बावजूद भी उसके वीडियोस पे व्यूज़ 17,000, 50,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 100K, ये कोई व्यूज़ नहीं होते। अगर हिसाब लगाया जाए किसी भी टेक्निकल चैनल के हिसाब से, अगर आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो उस पर 10% व्यूज़ आना चाहिए। उसके 10% अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो तब तक उसका चैनल बिल्कुल सही है। अब जैसे कि मेरा चैनल उठा लो, अब मेरे 1K सब्सक्राइबर हैं मेरे, लेकिन मेरी वीडियोस पे 100 और उसके अलावा मतलब कि 150 ऐसे व्यूज़ आते रहते हैं या 200 तक चले जाते हैं किसी वीडियोस पर। मेरे कोई वीडियो ऐसे जिस पे मेरे 100 के से भी प्लस मेरे व्यूज़ हैं, वो इस वजह से क्योंकि टॉपिक और देर से अपलोड करने की वजह से। मैं आपको थोड़ा तफसील में आपको समझाता हूँ, वीडियो थोड़ा एंड तक देखिए, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ और आपको वार्न भी करने वाला हूँ कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है कि उन्होंने क्या गलती की, जब मैं उनको फॉलो करता था तब उनकी वीडियोज़ में वो क्या क्या करते थे कि वो गिव अवे दिया करते थे, मतलब कि जो हमारे सोच से भी बढ़कर था, जो नया स्मार्टफोन आया उसका गिव अवे कर दिया। अभी हाल ही में उसने जो एक आईफोन का गिव अवे किया था, उसके अलावा उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ों का गिव अवे किया है। मतलब गिव अवे का मतलब ये होता है कि ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर गेन करना। मतलब उसने जो एक जिसको हम बोलते हैं कि कैंपेन चलाई थी कि अगर आप ये चीज़ हासिल करना चाहते हैं, ये गिव अवे अगर आप गेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो कुछ लोगों ने ये किया कि ना चाहते हुए भी उसके चैनल को सब्सक्राइब किया, लेकिन गिव अवे जब हो गया उसके बाद किसी ने उसकी वीडियोस नहीं देखी। अब अगर कहा जाए कि उसके 20-22 मिलियन में से 10 मिलियन जो है वो फेक सब्सक्राइबर हैं तो ऐसा गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई बंदा पैसे देकर, मतलब कि गिव अवे पैसा एक ही बात, पैसे देकर अगर कोई सब्सक्राइबर लेता है तो वो बंदा उसको व्यूज़ नहीं देगा, क्योंकि जब तक उसका काम उस बंदे में फंसा हुआ होगा तब तक उसकी वीडियोज़ देखेगा, और वो काम होने के बाद ना वो उसको जानेगा ना वो उसको जानता होगा। तो यही बातें थी पहला पॉइंट। और दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आ रहा है वो है सेम टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब कि आप उसकी कोई भी वीडियो उठा लो सेम टाइप ऑफ कंटेंट होगा उस पर। ना उसने आज तक कोई थंबनेल चेंज किया, ना उसने अपने बात करने का तरीका चेंज किया, ना अभी तक उसने कोई इंट्रो वगैरह चेंज किया। अब किसकी मैं आपको मिसाल दूँ, टाइमली मतलब कि बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग जिसको कहें या पुराने जो एक लेजेंड्स जिसको कहें, अगर वो अभी तक चल रहे हैं वो इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद को टाइम मतलब कि टाइम के हिसाब से उनको चेंज किया।
अब आप अमिताभ बच्चन को उठा लीजिए, मैं आपको मिसाल एक आपके दिमाग से दे रहा हूँ। अमिताभ बच्चन ने एक कहावत भी कही थी, एक मतलब वो क्या कि खुद को टाइम के हिसाब से चेंज करो। आप उसके जो अमिताभ बच्चन के जो उस दौर के जो हीरो थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, हमें पता भी नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन का अभी तक वैल्यू है क्योंकि वो खुद को मतलब कि टाइम के हिसाब से चला रहा है। लेकिन टेक्निकल गुरुजी ने ऐसा नहीं किया, उसने टाइमली खुद को नहीं चलाया, उसने ये किया कि बस उसने क्वालिटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया। दिन की दो वीडियोस बनानी है, मतलब कुछ भी अबड़ चबड़ जो भी है वो छापना है, मुझे सिर्फ व्यूज से मतलब है या मुझे मतलब क्वांटिटी से मतलब है, ये नहीं जानता कि क्या दे रहा हूँ मैं, ऑडियंस मेरी क्या देखना चाहती, इसको उस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं, बस ये है कि भाई मैं 2-3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे लिए यही काफ़ी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बात करने का तरीका तक नहीं चेंज किया। अब किसका मैं आपको बताऊँ, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं आपको आगे चल के मिसाल भी देता हूँ उनकी, कि उन्होंने अपने बात करने से लेकर अपने वीडियोस का, अपने बैकग्राउंड का, अपने स्टूडियो तक का उन्होंने तरीका चेंज करते। अब ये नहीं कहेंगे कि टेक्निकल गुरुजी के पास इतने पैसे नहीं है या इतना वो कर नहीं सकता, अगर वो चाहे तो 50 बंदों की टीम बिठा सकता है, और टीम से इस चीज़ का क्या लेना देना ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अब आप मेरी मिसाल ले लें, मैं अब खुद को इतना बढ़ावा तो नहीं दे रहा, इस टाइम भी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं हूँ उनके सामने, लेकिन मैं आप अगर आप मेरी 2 साल पुरानी वीडियोस देखेंगे उस टाइम मेरा क्या कंटेंट था और आज की अभी की मेरी वीडियो देखें तो कितना फ़र्क आ चुका है उस टाइम के मेरे बात करने के तरीके से लेकर, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल से लेकर, मतलब हर चीज़ से लेकर अभी तक की अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगी। मेरे बात करने का तरीका, मेरा थंबनेल स्टाइल, मेरा एडिटिंग स्टाइल, उसके अलावा मेरी वीडियोज़ का मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। मतलब ये जो मैं आता था पहले, मैं क्या करता था, मतलब चवले मारता था मैं आके कैमरा के सामने, जो भी चीज़ मिल जाए बस छापो, जो भी चीज़ मिल जाए छापो, मेरी ऑडियंस नहीं देखा करती थी। लेकिन उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया यार देखो कुछ भी हो, कंटेंट कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए क्वालिटी ज़रूरी है। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो टेक्निकल मतलब कुछ भी बताते रहते हैं या यूट्यूब के अपडेट के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन उनके इतने सब्सक्राइबर नहीं, हालांकि वो बहुत ही अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं लेकिन उन पर इतने व्यूज़ नहीं आते। अब जिसको मैं देखता हूँ ज़्यादातर फॉलो करता हूँ तो वो है मनोज दे। आप उसको देखोगे कि उसने कितना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई, कितनी चीज़ें उसने अचीव की, और अभी तक मतलब वो ये सोच रहा है कि मैं यार और भी आगे बढ़ूं, और भी ज़्यादा मैं चेंजेस लाऊं अपने ऊपर। उसके माशाल्लाह से 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और उसकी क्वालिटी, उसकी हर चीज़ बंद, लोग उसको देखते हैं, वो कोई चीज़ नहीं छुपाता। टेक्निकल गुरुजी की आप एक चीज़ देखोगे तो उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में, अगर देखा जाए तो। जैसे कि दूसरे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने खुद मतलब अपनी बहुत सारी चीज़ें बता दी, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन टेक्निकल गुरुजी ने कुछ भी नहीं बताया, मतलब इतना सिवाय इसके कि उसने सिर्फ जो भी उसकी यूट्यूब की जर्नी है सिर्फ उसने वो बताई है, उसके अलावा उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि उसने अपने स्टूडियो का टूर तक नहीं दिया अभी तक, एक दिया था स्टूडियो टूर वो भी हल्का फुल्का, लेकिन अभी जो जहाँ पर शूट कर रहा है वो तक नहीं दिया। आपको पता है कि अगर टेक्निकल गुरुजी अपना स्टूडियो टूर अपलोड करे तो आप सोचें उस पर कितने मिलियन व्यूज आएंगे। और तीसरी चीज़ ये आती है कि उसने अभी तक अपनी वीडियो की क्वालिटी और एडिटिंग बिल्कुल नहीं बदली। उसके जो शुरू में इंट्रो था वही अभी इंट्रो चल रहा है उसका, उसके अलावा उसकी जो वीडियो की क्वालिटी जो पहले DSLR में शूट किया करता था, मतलब अभी तो उसने बहुत ही महंगा कैमरा ले लिया लेकिन उसका उसको यूज़ नहीं आ रहा, उसको कैसे यूज़ करते हैं या उसके कैसे शशके लेने चाहिए, मतलब कि मैं नहीं समझता कि इस टाइम जिस स्टेज पर वो है उसको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर 22 मिलियन किसी के सब्सक्राइबर हैं तो वो एक पूरी टीम बिठा कर बैठा है, वो क्या पता इस चीज़ से, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा वो पैसे खर्च नहीं कर रहा, मतलब अगर वो खर्च कर रहा है तो अपनी चीज़ें ले रहा है, लेकिन वो टीम वर्क ये चीज़ों पे शायद वो बिलीव ना करता हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर बंदा कोई कामयाब होता है तो उसके पीछे टीम वर्क का एक हाथ होता है बहुत ही बड़ा। अब आपको एक यूट्यूबर की मिसाल देता हूँ, आप टेक बर्नर को उठा लें, उसकी हर वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ हैं, डेली वीडियोस वो भी अपलोड करता है लेकिन उसकी वीडियोस डेली मिलियंस में जाती हैं। ट्रैकिंग टैग को उठा लीजिए, उसने पूरी टीम, पूरा स्टूडियो, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास, इतनी टीम है कि ग्राफिक डिज़ाइनर, प्रोफेशनल उसके थंबनेल मेकर, उसके अलावा प्रोफेशनल 3D आर्टिस्ट, 2D आर्टिस्ट, उसके अलावा एडिटर्स, उसके पास पता नहीं कौन कौन से लोग बैठे हैं। वो समझता है कि अगर मैं टीम वर्क करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप टेक बर्नर को उठा लीजिए, उसने कितनी अपनी टीम बिठाई हुई है, वो समझता है कि यार अगर मैंने टीम रखी तो मुझे पता है, मतलब अगर एक एक होता है दो दो होते हैं, अगर एक एक को 7 मिलाओ तो वो 11 जाके बनते हैं, तो ऐसे में एक बंदे का दिमाग कितना काम करेगा। अगर आप कुछ सोच रहे हो ना तो आप 2 बंदों से ओपिनियन लोगे तो वो आपको एक अलग चीज़ बताएंगे। तो इसी में
आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, अगर वो चाहे तो 50 बंदों की टीम बिठा सकता है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा ये तो सिर्फ उसी को पता होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी पे जोर भरते हैं, मतलब कि डेली की भाई मुझे वीडियोस अपलोड करनी है, जो भी चीज़ आई मैंने छापनी है, मैंने बिल्कुल ना क्वालिटी पे कोई चीज़ करनी है, ना मैंने कोई अच्छा कंटेंट देखना है, कुछ भी नहीं देखना, ना वो थंबनेल। आप शायद आप लोगों को नहीं पता क्योंकि मैं उनको बहुत ही पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो एक बंदे ने उनको एक कमेंट भी किया था कि गुरुजी आप अपना थंबनेल स्टाइल और अपना इंट्रो और उसके अलावा मतलब कुछ चीज़ें उसने बताई थी कि यार चेंज कर दो। टेक्निकल गुरुजी संडे टेक मसाला बनाता है तो उसमें वो क्वेश्चन टेक्निकल गुरुजी ने पिक भी किया था, तो उसने कहा था हाँ देखेंगे फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा किया तो। तो उसने अभी तक नहीं किया, फ्यूचर उसका गुजर गया, अभी उसका फ्यूचर खतरे में। मतलब मैं नहीं समझता कि उसको इस यूट्यूब चैनल से कोई लगाव है या कोई चीज़ें, मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। अब आप बताएं कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें आई और आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, मतलब कौन सी चीज़ समझ में आई, सॉरी अच्छी नहीं, कौन सी चीज़ आपको समझ में आई कि यार वाकई में टेक्निकल गुरुजी ऐसा करता है और इस वजह से उसकी जो चैनल है वो थोड़ा डाउन जा रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी से बता दीजिए। उसके अलावा अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो टीम वर्क कीजिए। अगर फिलहाल आप कुछ नहीं करना चाहते, मतलब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दिमाग में ये रखिए कि यार मैंने अभी टीम रखनी है, खुद ब खुद सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके अलावा नीचे कमेंट कीजिए, उसके अलावा वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो ना मेरा भैया, इधर एक और मेरा ब्लॉग आ रहा होगा वो जाके लाजमी से देख लीजिए, और उसके अलावा रोस्टिंग भी करता हूँ यार क्या करें मतलब के। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।